हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल रेब्यूटी क्लब। तो आज मैं बताने वाला हूँ विंडोज 5600 को वीकली मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली मेंटेनेंस की ओर। तो सबसे पहले हमें इस मशीन पे डायग्नोसिस पे जाना होता है, फिर पीरियोडिक मेंटेनेंस पे, फिर डेली और वीकली लिखा हुआ है। तो हमें आज करना है वीकली मेंटेनेंस। इस तरह का डिस्प्ले आएगा, फिर देन हमारा इंक्यूबेशन रहा। सबसे पहले हम इंक्यूबेशन के अंदर में जो रिंग्स होते हैं वो रिंग्स को साफ करते हैं। ये देखिए, ये हमारा रिंग्स है और उस रिंग्स को खोलने के लिए यहाँ पे बटन्स होते हैं। इस बटन्स को कुछ करना पड़ता है, आराम से धीरे धीरे निकालना होता है। इसे हम अच्छे से धो लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे। तीनों को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर तक। तो हमें कॉटन क्लॉथ्स लेके फिर जितने भी पोर्शन है ये सारे पोर्शन को अच्छे से क्लीन कर लेना है। एक भी छोटा सा भी डस्ट पार्टिकल ना होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे एक थोड़ा सा वॉइस होता है, उसे भी निकाल इसे अच्छे से शार्प करेंगे। इसके बाद हमें स्वाइव स्टिक लेके ये टिप लोकेटर को अच्छे से वॉश करना है। इसे खोल लेना है अच्छे से, देन इस पोर्शन को ऐसे राउंड घुमा के वॉश करना है। आप देख सकते हैं इस तरह का गंदगी निकलेगा, ये हो गया। देन इसे इससे क्लोज कर देना है। हमारा रहा सेकेंडरी टिप लोकेटर, ठीक है। तो सेकेंडरी टिप लोकेटर को भी इस तरह से साफ करना होता है और ध्यानपूर्वक इसे उंगली ना लगना चाहिए। अगर उंगली लगा तो आपका उंगली जल सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हीट होता है। हम डिस्पेंस ब्लेड को साफ करेंगे। तो डिस्पेंस ब्लेड हमारा यहाँ पे है और उसे अच्छे से खोल के, इनवर्सली खोल के अच्छे से इनवर्सली खोलेंगे। ये देखिए, ये दो रिंग यहाँ पर रखेंगे, देन हम डिस्पेंस ब्लेड यहाँ से निकलेगा, इसको हम घुमाएंगे तो हमारा डिस्पेंस ब्लेड निकलेगा यहाँ से। ये देखिए, इस तरह से हमारा डिस्पेंस प्लेट होता है। इसे भी अच्छे से वॉश करना होता है। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद फिर से हम इसे सेट करेंगे वहीं पे। देखिए किस तरह से सेट करना है, आप ध्यान से सेट करना। फिर इसे ये शेड करने के बाद अच्छे से हमें सारे पोर्शन को अच्छे से साफ कर लेना है वॉचकिस से विद द अल्कोहल। एंड इसे हटाने के बाद हमें यहाँ पे एक सेंसर होता है, इस सेंसर को भी साफ करना होता है। देखिए इस तरह का, इसे भी बहुत ही अच्छे से साफ करना होता है। ध्यान रखना दोस्तों, एकदम ध्यान पूर्वक करना है, कोई भी मिस्टेक ना करना है। फिर स्क्रीन को भी थोड़ा साफ कर लेना है, उसे भी सेट कर देना है। तो
इस क्वेश्चन को भी थोड़ा साफ कर लीजिए ताकि अच्छा दिखे, गंदगी ना दिखे और कोई गंदगी ना रहे। तो इसे अच्छे से फिर से करना है, और जैसे हमने यूनिवर्सिटी खोला था वैसे यूनिवर्सिटी हमको उसको क्लोज भी करना है। दोस्तों इस रिंग पे तीन रिंग्स होते हैं जो मेट्स में जाके हमें सिस्टम में जाके कमांड करके वो तीनों रिंग यहाँ से निकलेगा और उसे भी साफ करना जरूरी होता है। अच्छा तो डायग्नोस्टिक्स पे जाके जैसे कि मेट्स पे जाना होता है एंड देन वेट इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। तो हमें जाना होगा इंक्यूबेटर में, क्यों? क्योंकि इंक्यूबेटर का रिंग्स को हम साफ करते हैं और इंक्यूबेटर का पिंस को हम साफ करेंगे। इंक्यूबेटर में जाके माइक्रोवेल में जाएंगे एंड लेफ्ट पिन एंड ये जो है आउटर मिडिल इनर एंड वेट ये सारे हमारा पिंस होते हैं, इसे ओपन करके हमें साफ करना होता है कॉटन बॉक्स से। आउटर में जाके शटल इन एंड नन एंड स्टार्ट एंड आप ये देख सकते हैं ये रिंग हमारा ऑटोमेटिक निकल गया वहां से कमांड देने के बाद। इसे भी अच्छे से हम साफ कर लेंगे और इसी तरह तीनों रिंग को हम साफ करेंगे। फिर शटल को हम डाउन करते हैं, शटल ये देखिए हमारा रिंग ये अंदर चला गया है। ओके जस्ट इसी तरह हम मिडिल रिंग को इनर रिंग को ये तीनों रिंग को इसी तरह ऑफ ऑन इन करके और साफ करके उसे अंदर करना होता है। फिर से हम बैक में आके फिर से फ्लूइडिक मैट्रिक्स बजा के लिक्विड में जाके आ जाना है। ये तीनों रिंग ड्राई होने के बाद हम इसे अच्छे से फिर से सेट कर लेंगे। इसे ध्यान पूर्वक सेट करना है। शेड करने के बाद फिर से हमें इस तीनों रिंग को लॉक कर देना है। लॉक यहां से होता है ये बटन उठा के। इसे क्लोज कर देना है। ओके एंड ल्यूमिनोमीटर को भी डाउन कर देना। ये हमारा हो गया लेंस डन। ये सारा हमारा हो चुका है, जैसे क्लीन माइक्रोवेल इंक्यूबेटर को हम क्लीन कर चुके हैं, क्लीन प्राइमरी डीप सेलर भी हो चुका है, क्लीन सेकेंडरी डीप सेलर भी हो चुका है, क्लीन सैंपल सप्लाई जो ये है इसे भी क्लीन करना होता है। ओके एंड पिप लॉकेटर जो हमने किया था वहां पे एक सोयाब स्टिक लेके, क्लीन डिस्पेंस ब्लेड जो इस तरफ हमें मिला था, लीक पैड्स वो भी हो चुका है, क्लीन टच स्क्रीन जो ये परफॉर्म सब सिस्टम क्लीनिंग करना है। अब हमें सब सिस्टम क्लीनिंग में जाना होगा पहले, देन स्टार्ट एंड कुछ समय वेट करेंगे। तो इस तरह का डिस्प्ले आएगा हमारा, उसके बाद देन हमें सप्लाई फोर में इस तरह का मेंटेनेंस पैक आता है, मेंटेनेंस पैक इस सप्लाई फोर में हमें डालना होता है। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे एक ग्रीन कलर का लाइट आएगा तभी इस बॉक्स को खोलना है, अगर ग्रीन कलर का लाइट ना आए तो इस बॉक्स को नहीं खोलना है। मिनट्स तक वेट करना है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है सब सिस्टम क्लीनिंग इन्वेंटरी इन प्रोग्रेस, हमारा प्रोग्रेस चल रहा है। उसके बाद 10 मिनट्स के लिए रुकने बोलेंगे, फिर हमें वो मेंटेनेंस पैक निकाल लेना है। सेलेब्रिटी क्लब चैनल पे बने रहे और एंड तक वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और कहीं आपको अगर डाउट लगे तो आप कमेंट करें।